हमारा चैनल, मैं उश्री और आज हम करने वाले हैं स्टोन आर्ट। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए वाटर कलर्स और हमें चाहिए कुछ ब्रश। यहाँ पे मैंने दो ब्रश लिए हैं, देख सकते हैं आप। और हमें चाहिए स्टोन्स, देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे स्टोन्स ले लिए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन्स ले रही हूँ। अब फ्रेंड्स, आप ना इन्हें थोड़ा सा डार्क कलर करिएगा। तो चलिए देखते हैं, मैं इस पर डार्क ग्रीन वाटर कलर कर रही हूँ, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। पानी कम मिलाइएगा जब आप स्टोन्स पे करेंगे तो, क्योंकि पानी से फिर वो लाइट हो जाता है, फिर लाइट कलर पे बहुत कम दिखते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इस पर ग्रीन कलर कर लिया है, डार्क ग्रीन। अब मैं दूसरे वाले स्टोन पे कर रही हूँ ब्लैक कलर। फ्रेंड्स, इन्हें आप अपने एक कांच के बाउल में रख के डाइनिंग रूम में भी डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इन्हें फिश पॉन्ड में भी रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आप इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे लगते हैं ये, देख सकते हैं। इस पर ब्लैक कलर कर रही हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये कुछ और भी कलर्स कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आप इसमें कोई सा भी कलर कर सकते हैं, आप इन्हें फिश पॉन्ड में, डाइनिंग रूम में भी डेकोरेट कर सकते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, कितने प्यारे लग रहे हैं ये स्टोन्स। अब मेरे पास ये वाला स्टोन है गोल शेप का, अगर आपके पास वो अवेलेबल हो तो सही है। अब मैं इसके ऊपर बनाऊँगी डोरेमोन का फेस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी इस पर ब्लू कलर। फ्रेंड्स, मैं इस पर डार्क ब्लू कर रही हूँ, फिर उसके ऊपर से मैं इस पर वाइट कर लूँ, फिर ये लाइट ब्लू हो जाएगा। देखिए, देखिए फ्रेंड्स, आप ऐसे करके स्टोन पे डिज़ाइन बना सकते हैं। आप, मैंने डोरेमोन बनाया, ट्री बनाया, ये मैंने कार। अब ये जो आपके पास जो बड़ा सा पत्थर है कोई अगर आपके पास, तो आप उस पर पीछे सारे में वाइट कलर करके यहाँ पे आप ब्लू वेरी का लुक दे सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, अगर ये पत्थर थोड़ा बड़ा है, अगर आपसे ब्रश से ना हो रहा हो तो आप ऐसे कॉटन से ऐसे करके कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने वाइट कलर कर लिया है, अब मैं डार्क ब्लू कलर से ब्लू वेल की शेप बना लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पतला ब्रश हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पतले ब्रश से अच्छी बनती है आउटलाइंस। पेंटिंग को आप अपने डाइनिंग रूम में भी डेकोरेट कर सकते हैं, बेडरूम में भी डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप कलर मत कीजिएगा, उससे पहले हम इसके आईज को, फ्रेंड्स आप अभी कलर मत कीजिएगा, उससे पहले हम इसके आईज बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, कितनी प्यारी ब्लू वेल लग रही है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास और बड़ा पत्थर है तो आप उसमें कुछ सीनरी वगैरह बना सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।